हेलो गाइस, माय यूट्यूब चैनल मेडिको अड्डा पर आपका स्वागत है। जो भी आयुष काउंसलिंग 2020 में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके लिए एक मैं वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आयुष मिनिस्टर ने एक नोटिस रिलीज़ किया है, उस नोटिस के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है यदि आप आयुष काउंसलिंग 2020 में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा देखें। एंड जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देख सकते हो आप, ये नोटिस है जो कि आयुष मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया था। तो गाइस, इस नोटिस में बोला है कि जो कैंडिडेट आयुष काउंसलिंग 2020 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए कन्फ्यूजन था कि जो NIA कॉलेज है उसकी कैटेगरी क्या है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी में आती है या प्राइवेट में आती है या गवर्नमेंट में आती है। तो जो NIA जो जयपुर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन ये अभी अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुकी है। तो आप इसको ऐसा नहीं समझे कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज नहीं है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये पहली ऐसी कॉलेज है जो गवर्नमेंट है और डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी। ओके गाइस, तो ये कौन से कैटेगरी में, जब आप चॉइस फिलिंग करो तो इसकी जो कैटेगरी आती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूट आती है। तो गाइस, आप जब चॉइस फिलिंग करते हो तो इसका ध्यान रखना, ऐसा कन्फ्यूजन मत रखना कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है और प्राइवेट कॉलेज है, इसलिए इसको फिल ना करें। ये टॉप कॉलेज है और इसको फिल करना अगर आप आयुष काउंसलिंग करवा रहे हो तो। ओके गाइस, तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड है जो भी इस तरह का उसके मन में कुछ डाउट है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। एंड जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें एंड शेयर करें। ओके गाइस, थैंक यू एंड गुड बाय।